हमारा सफ़र 3 दिन का लेह में था और उसके बाद हम लोग अब कारगिल होते हुए श्रीनगर जा रहे हैं। हमारे संग हमारे ड्राइवर भाई रुबीन भाई साथ में हैं और हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ घूमने की जगह हैं ड्रास वगैरह जो देखते हुए आपको हम दिखाएंगे। तो आप बने रहें हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चौराहा आप जो देख रहे हैं ये एक तरफ रोड लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये मनाली का रोड है और बिल्कुल सीधे हम लोग जाएंगे श्रीनगर कारगिल रोड। तो आइए चलते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर बन्ना भूपेन प्रेमी के साथ। तो बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस कड़कड़ाती ठंड में आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो सफर में आप साथ रहें। चलने के बाद हमको ये पहला गांव मिला है जी निम्मू, जहां अधिकांश अभी सुबह का टाइम है तो दुकानें भी बंद हैं और बहुत शांति है चारों ओर। ये आप देख रहे हैं नदी जो है जो इंडस नदी है ले से साथ साथ चल रही है जब से और धारा प्रवाह इसकी स्पीड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड है इस समय इसकी पानी की। खूबसूरत नज़ारा सुबह का समय है और लेह से श्रीनगर की रोड पर देखिए हमको ये टाटा करते हुए यहाँ के लोग उत्साह से भरपूर इनका जीवन। तो आइए हम भी आप भी हमारे साथ इस सफर पर चलते रहें लेह टू श्रीनगर। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ और ये बालू के पहाड़ हैं और साथ साथ इंडस नदी हमारे साथ साथ जब से हमने चलना शुरू किया है तब से चलती जा रही है। आप देखिए दोनों तरफ मतलब गर्दन उठा के आपको देखना पड़ रहा है इन पहाड़ों की ऊंचाई इतनी है। और बहुत ही अच्छा रास्ता है, मैं धन्यवाद दूंगा BRO को कि जिन्होंने
इस रास्ते को सुगम बनाया है। और कितनी सफाई है इस रोड पर आप भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रोड बनाकर उन्होंने छोड़ दिया। उनकी मशीनें भी यहाँ दिन रात चलती हैं जो सड़कों की साफ सफाई भी करती हैं। बस जरूरत है हम लोगों को भी सजग रहने की कि हम लोग गाड़ी में बैठकर जो सामग्री खाते हैं तो उसके रैपर्स वगैरह हम लोग भी चलती गाड़ी में से कभी कभी फेंक देते हैं। तो ये एक सोचने का विषय। आप देखिए कितना शानदार नज़ारा आपको दिख रहा है कि पहाड़ पूरा सड़क पर है। आप देखिए ये यही चीज है देखने लायक जो हमको ललचाती है यहां तक लाने के लिए। आप भी आए और श्रीनगर टू ले या ले टू श्रीनगर के इस रास्ते का आनंद लें। शानदार नजारे, जानदार नजारे। ये देखिए पहाड़ ऊंचे ऊंचे, ये कितने साल पुराने होंगे, कौन आ रहा होगा कब से, ये तो इतिहास ही जानकार होंगे जो बता पाएंगे। लेकिन जरूरी ये है कि आज हम यहाँ हैं और इन नज़ारों का, इन रास्तों का, इन पहाड़ों का आनंद ले रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं जो हमने अभी तक टीवी में देखा था। ये देखिए आप, ये दूसरा पहाड़ जिसको काट कर नीचे से रोड बनाया गया है, बिल्कुल ऊपर है। अगर बस पे जो लोग बैठते होंगे या निकलते होंगे, वैसे तो बैठते नहीं है, तो जरूर उनको छू लेते होंगे क्योंकि तो यहाँ अधिकांश रोडवेज की बसें चलती हैं। ये देखिए शानदार इंडस नदी, ये हमारे दूसरी ओर अगर आपको कैमरे में दिख रही हो, बहुत ही शानदार, आधे पहाड़ों पर धूप है, आधे पे छांव है, तो आधे का रंग कुछ और है, आधे पहाड़ों का रंग कुछ और है। आप भी देखें, ये देखिए सामने, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से चलते हुए हमको वो ऊपर पहुंचना है, वो ऊपर आपको रोड दिखाई दे रहा है। चलते रहें, मुड़ते रहें, घुमाता और रास्ते, पथरीले पहाड़, खूबसूरत घाटियां, खूबसूरत वादियां, और उनके टॉप पर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ रखी हुई। इस समय है टॉप पर, आप देखिए कि ये जो आपको निशान दिख रहे हैं, ये जब बर्फ होती है उसके बाद जब धूप से पिघलती है तो बारिश के पानी के साथ साथ वो भी नीचे पहुंचती है और जिससे नदियों में बहाव तेज हो जाता है। काफी ऊंचाई पर हैं इस समय हम। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पहाड़ पर कलाकृति बनाई हो, आप भी देख सकते हैं, कुछ अलग ही पहाड़ों का डिजाइन है। ये कहना मुश्किल है कि किसने बनाई होगी, लेकिन लग तो यही रहा है, या तो ये प्राकृतिक बनावट है। ये देखिए आप, मनोरम दृश्य। ये आपको जो दिख रही है लामा यूरो मोनेस्ट्री है, ये आप जो देख रहे हैं, और लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ इसको विजिट करते हैं, देखते हैं। लामा यूरो मोनेस्ट्री आए हुए हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि
और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है चारों ओरों का। ये लेह से श्रीनगर के रोड पर हैं हम लोग। आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियों का माया जाल है, ये सड़कें कहाँ से होती हुई, ये ट्रक होते हुए सड़कें होती हुई वो ऊपर पहाड़ियों पर पहुंच रही हैं। आप देखिए वो गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी हमको वो टावर से भी ऊपर जाना है। वो जो दो गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये पहाड़ क्रॉस करके हमको दूसरी ओर जाना है। रास्ता सुगम है लेकिन घुमावदार भी है। आप लोग यहाँ आए तो वॉमिटिंग की गोली लेकर जरूर आए, क्योंकि दिक्कत तो दिक्कत होती है, किसी को भी हो सकती है। ये देखिए शानदार नज़ारा, जानदार नज़ारा। इस समय हम लगभग 19,000 की हाइट पर हैं और थोड़ी थोड़ी बर्फ पहाड़ों को श्रृंगार करती हुई सजाए रखी है। आप देखिए बिल्कुल शानदार। नीचे से कुछ पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे थे, जब हम हाइट पे आ गए तो अब वो दिख रही है। और ये खूबसूरत नजारा है लेह टू श्रीनगर। आप भी भविष्य में एक बार इस रोड से जरूर आए और प्राकृतिक नजारों को जरूर देखें। देखिए आप ये है फोतुला टॉप, श्रीनगर और लेह के बीच में सबसे हाईएस्ट, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये है कारगिल, हम लोग कारगिल आ चुके हैं। यहाँ अब मैं आपको जो नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, शायद उसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक जोरदार नदी, तभी नदी है जी शायद। और ये पुल है इसका, ये देखिए भाव। हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी चीज़ें हैं घूमने की। ये देखिए शानदार नज़ारा, एक जानदार नज़ारा। पुल पर बहुत ही खूबसूरत, बेहद मनमोहक इसकी आवाज सुनाई दे रही होगी। आप देखिए
हम लोग कश्मीर की बॉर्डर पर आ चुके हैं, चूँकि कारगिल जम्मू कश्मीर की सीमा में ही है। देख रहे हैं इस समय हम लोग कारगिल पर आ गए हैं, लेट टू श्रीनगर, और कितना मनोरम दृश्य है ये चारों ओर आप देख सकते हैं इसको, जिसे देखे रहा नहीं गया हमको, और हमने उतर कर इस पर एक आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया। देखें आप, इन्हीं पहाड़ों पर से बर्फ पिघलकर नदियों में समा जाती है, जिससे इनका बहाव तेज हो जाता है। देखिए आप बिल्कुल सामने, और श्रीनगर से पहले कारगिल वॉर मेमोरियल ड्रास में पड़ता है। आपको याद हो यहाँ पर जब पाकिस्तानी सेना से युद्ध हुआ था तो इसकी बड़ी भूमिका थी। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये हमारा कारगिल वॉर मेमोरियल है, जहाँ कारगिल युद्ध हुआ था, टाइगर हिल पे हमने फतह हासिल की थी। इसकी याद में द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे वतन पर, मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। भारत माता की जय। आइए आप हमारे साथ। तो ये यहाँ का एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे। तो दोस्तों, मित्र बंधुओं, वो सामने आपको जो टॉप दिख रहा है, ये है टाइगर हिल। यहाँ युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, और पीछे जो पूरा वाइट से ढका हुआ ये आपको दिख रहा है, यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा, सॉरी, तो वो जो मूवी बनी थी शेरशाह, वो उसी पहाड़िया के ऊपर थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी कि जब भी बर्फ का मौसम होगा तो वह अपने अपने सैनिक पहाड़ से नीचे ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उस संधि को तोड़कर हमारी टाइगर हिल और अन्य जगहों पर कब्जा किया, जिसकी जानकारी मिलते ही हमारी टीम ने जामाजी का परिचय देते हुए भारत का विशाल झंडा पुनः यहाँ लहराया। आज हम सुरक्षित हैं, नहीं तो आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना होती। लेकिन पूरे देशवासियों को गर्व है अपनी भारतीय सेना पर, जिनकी वजह से, जिनके वीर सपूतों की वजह से, जिनके बलिदान की वजह से आज हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बोपोर्स तोप है, जिसका योगदान उस समय काफ़ी रहा था टाइगर हिल पहाड़ी को विजय पाने में, उस समय ये आई थी। और ये चारों तरफ विशाल ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिनके बीच में ये ड्रास बना हुआ है, कारगिल से लगभग 45 किलोमीटर है। आप देखिए, और ये है युद्ध स्मारक, जो जवान शहीद हुए थे उनके सम्मान में इस स्मारक को बनाया गया है।
और शान से लहरा था हमारे आन बान शान का प्रतीक भारतीय ध्वज आप देख रहे हैं। सिंध प्यारों में ललचाऊं मुझे तोड़ लेना बन माली उस पद पर देना तुम फैज मातक हूँ बस इस चरण जिस पर जाए वीर ने। ये हमारा कारगिल पहाड़ी है यहाँ हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया था। मैं उनको सब सब नमन करती हूँ और जय हिंद कहती हूँ भारत माता की जय करती हूँ। और इसी प्रकार आदमी अपनी देश की सेवा करते रहते हैं हमें अपनी भारतीय आदमी का गर्व है। जय हिंद जय भारत। तो आपने देखा कि आज हम लोग लेह से श्रीनगर के रूट पर हैं और यहाँ द्रास में वॉर मेमोरियल बना है और ये चारों ओर पहाड़ियाँ हैं जिन पर युद्ध हुआ था। ये उन शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। अभी वहाँ कुछ काम चल रहा है इसलिए वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। सामने आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं हिल्स जो हैं इनके ऊपर से ठीक 9 किलोमीटर जैसा बताया कि पाकिस्तान है और इसी के चलते यहाँ युद्ध भी हुआ था। लोगों ने अपने अपने विचार लिखे हैं तो एक हमने भी यहाँ उसको लिखा है। मेरी कप नूडल्स बनवा लो यार मैगी खाने का मन कर। हम लोग द्रास आ गए हैं जहाँ भी वॉर मेमोरियल देखा और ये है द्रास की मार्केट जो लेह से श्रीनगर के बीच में पड़ती है। इसके बाद जोजिला पास पड़ेगा फिर सोनमर्ग बालटाल और फिर हम श्रीनगर पहुँचेंगे। यहाँ की जो द्रास में आपको बता दूँ विश्व का 2nd नंबर का सबसे ठंडा रहने वाला जगह है जहाँ -30 से लेकर 50 तक का तापमान जाता है और पिछली बार तो शायद उसका भी रिकॉर्ड टूट गया था। ये आपको दिख रही है बर्फ पिघल के नीचे गिरती हुई आप ये मनोरम दृश्य देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है आपका इस पर। ये देखिए आप प्राकृतिक झरने है आप देख रहे हैं कि बड़ी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। जहाँ तक निगाह गई वहाँ तक अभी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं क्योंकि ये जोजिला पास है और समय रहते अगर यहाँ से क्रॉस हो जाएं तो हो जाएं अन्यथा बड़ी परेशानी इस जोजिला पास पर होती है। आप देखिए लगभग 1 किलोमीटर तो हमको हो ही गया है। और भी आगे बहुत दूर दूर तक आपको गाड़ियां दिख रही हैं। छोड़ेंगे या तो समय छोड़ेंगे हमको 5 किलोमीटर आपको चलते चलते हो गया है और ये लाइन अभी खत्म नहीं हो रही और आगे भी देखिए आप दूर दूर तक सब जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं या तो उनको 5 बजे के बाद छोड़ेंगे या इनको मॉर्निंग में छोड़ेंगे। और ये चेक पोस्ट आ गया है तो यहाँ चेक पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
ये मिनिमर है, यहाँ से श्रीनगर और लेह लद्दाख की सीमा का बॉर्डर है जी, और यहाँ चेक पॉइंट है। हम लोग अभी कश्मीर में, हम लोग अब कश्मीर में आ चुके हैं, यहाँ से लेह डिस्ट्रिक्ट। हिंदुस्तान का स्वर्ग कहने जाने वाले कश्मीर की हरी भरी घाटियों के बीच में हम जोजीला पास को क्रॉस कर रहे हैं, और जो जाम आपने देखा ये उसके पहले ही लगता है। बड़ी गाड़ियों को अभी रोक लिया गया है, छोटी गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। हाँ, तो वह जोजीला के पहाड़ बर्फ से घिरा हुआ, जोजीला पास का बोर्ड भी लगा हुआ है 0.0। हल्की हल्की बरसात यहाँ शुरू हो गई है, देख रहे हैं आप, और यहाँ बाइक राइडर्स अपनी अपनी टीम के साथ। और ये बर्फ का पहाड़ पानी के रूप में आता जा रहा है, कितना शानदार नजारा है। ये स्नो बोर्डिंग, स्नो राइड कहते हैं इसको करते हुए। आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग 0.0 पर हैं, और मेरे पीछे बर्फ पर लोग स्नो बाइक चला रहे हैं। यहाँ इसका चार्ज 1200 रुपये है। आज समय कम होने के कारण आज हम इस राइड को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कराएंगे। तो आप देखिए ये कितना शानदार, लेकिन बारिश की बूंदें भी हमारे मोबाइल पर आ रही हैं, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और ये शानदार जानदार, इतने दूर का मौसम, जोजीला पॉइंट, यहाँ सैलानी बाइकर्स और परिजन रुककर फोटो शूट करा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो पास पे खड़े हुए हैं, 0.0 के बाद आता है, इसके आगे सोनमर्ग है। हम कश्मीर की धरती पर खड़े हैं, और ये हमारा स्वर्ग गाड़ियां सामने आपको आती दिखाई देती हुई। ये जोजीला पास हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, खूबसूरत नजारा। यहाँ बारिश, पहाड़ों का जो पानी आता है वो रस्तों में बन जाता है, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये देखिए, लोगों को बहुत ही सावधानी कुछ जगह पर रखने की आवश्यकता है। बीआरओ के जवान सिपाही भी यहाँ पर हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ से आप निकले। और हम अभी जो आए हैं वो वहाँ से आए हैं, 0.0 से। और मौसम का हाल आप देख ही रहे हैं लाइव। वाइट वाला, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सामने जो है, जो पवित्र भोले बाबा अमरनाथ जी की गुफा है,
जहाँ पर ये बालटाल नीचे आपको बेस कैंप दिख रहा है, ये बालटाल के ऊपर से हम लोग चल रहे हैं और यहीं से कुछ लोग यात्रा शुरू करते हैं और जो पहलगाँव से यात्रा शुरू करते हैं वो बालटाल में ख़त्म करते हैं। तो ये देखिए आप जो जो ये बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। बड़ी कठिन यात्रा होती है, हौसले और ईश्वर को याद करते हुए लोग इस यात्रा को करते हैं और इस बार यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। ये देखिए जो आपको नीचे पीले पीले नीले नीले दिख रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा है पाटा। बारिश के बादल गड़गड़ाते हुए और बूंदाबांदी आपको हमारे इस कैमरे में भी दिख रही होगी, मिरर पर गिर रही है चूंकि। और यही वो पेच है जो जिला पास का, जो जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बाकी पूरा रास्ता आराम भरा है। अभी हम कुछ देर पहले वहाँ थे, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं देखो आप, जूम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बारिश होने लगी है। और ये नीचे बालटाल बेस कैंप है, आपको दिख रहा होगा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो हमको अपना सामान डिग्गी में शिफ्ट करना पड़ रहा है और आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, ज़ोरदार आवाज़ हो रही है बारिश की। तो हमारे ड्राइवर भाई ने कहा कि पूरा सामान भीग जाएगा, हम लोग डिग्गी में शिफ्ट कर रहे हैं, कभी भी यहाँ मौसम का भरोसा नहीं है, बादल कभी भी बरस सकते हैं। तो आप भी थोड़ा, हम लोगों ने पन्नी नहीं लगाई थी और बारिश कम हुई लेकिन आगे तेज़ दिख रही है बालटाल के पास। हम लोग जो जिला पास क्रॉस करके सोनमर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, सोनमर्ग यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है और श्रीनगर 89 किलोमीटर है। तो गाइस नज़ारा ये है कि सफ़र कर करके हालत भी पतली हो गई थी, तो हमने अपने ड्राइवर भाई से कहा कि हमको ऐसी जगह रोको कि थोड़ा सा हमको ताजगी मिल जाए। तो उन्होंने वास्तव में ही ऐसी जगह रोका कि जहाँ झरना चल रहा है और पीछे ही रेस्टोरेंट है। तो आइए चलते हैं, यहाँ कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और श्रीनगर लगभग हम पहुँच ही गए हैं, 40 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं। ये कंगन है, यहाँ पर जाम लगा हुआ अभी काफी देर से और बेफिक्र श्रीनगर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। और ये श्रीनगर हम आ चुके हैं, श्रीनगर की जान डल झील आप सभी के सामने है। धरती का स्वर्ग, कश्मीर वासियों का स्वर्ग, उनकी जीवन दायनी डल लेक में आप सभी का स्वागत है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे पानी, बहुत सुंदर ये पूरा डल लेक है। श्रीनगर में आपका स्वागत है, डल लेक की खूबसूरत। इन 400 मीटर्स मेक ए यू टर्न। शानदार नज़ारा। तो साथियों ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूं क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग जो हो गया है। ये लेह से लेके श्रीनगर का हमने आपको रास्ता बताया था।